जैसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने समुद्र को क्रॉस करके इधर समय गए, क्योंकि वो इन अंधविश्वासों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। उससे पहले भारत की जो छवि थी वो क्या थी विदेशों में, ये थी कि जो भारत एक ऐसा गरीब देश है, क्योंकि अंग्रेज क्या प्रशासन करते थे, एक ऐसा गरीब देश है जहाँ पर भी लोग अपना पेट भरते मांगते और खाते हैं, वहाँ पर ज्ञान की कोई भी वो है नहीं। इसलिए हमें ये जितनी भी अंग्रेजों की जो मिशनरी थी वो भारत में भेजी जाती थी कि वहाँ पर ज्ञान की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि सारा प्रचार किसके द्वारा होता था, जो विदेशों में भारतीय विदेशों में जाते नहीं थे, विदेशों में अंग्रेज आते वही जाते हैं, क्योंकि भारतीयों को तो ये एक भावना फैलाती कि आपने जो ये समुद्र में पैर रखा इसका मतलब आपने धर्म का अपमान कर दिया, आप इसके अंदर नदी के अंदर तो पैर रख ही नहीं सकते, जमीन नहीं छोड़ सकते। तो विवेकानंद जी ने अमेरिका के अंदर जा करके भारतीयों का जो ज्ञान था वो कितना समर्थ है और जो विदेश है वो उनसे कितने पीछे हैं, ये बात वहाँ पर उन्होंने जा करके बताई। तो उनके अगर आप जीवन के बारे में पढ़ोगे तो वास्तव में छात्र जीवन के लिए सबसे जो जीवन अगर किसी की जीवनी पढ़नी है बच्चों को पढ़नी चाहिए तो वो विवेकानंद जी की पढ़नी चाहिए। जब वो शिकागो के अंदर 1993 में जब वो भाषण दे रहे थे, उसके बाद जब लोगों ने उनका भाषण सुना तब उनको पता चला कि भारतीय क्या चीज़ है, यानी इतने दिनों पहले ये पता ही नहीं था लोगों के लिए वास्तव में भारतीय था।